एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं 11:30 और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की और मेरी फाइट हो रही है चॉकलेट के लिए। वो भी मेरे हस्बैंड जो है वो गुस्सा हो गए, चॉकलेट नहीं दे रही हूँ मैं उनको। तो ओ हस्बैंड जी छोटा सा बच्चा पूरी कैडबरी खा ली उन्होंने और एक बाइट चाहिए थी बोल रहे थे वो तो मैं सुबह उठ गई थी, मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है मुझे बहुत खांसी हो गई है। हमारे साथ कल बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था जो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगी। तो डस्ट की वजह से मुझे सर्दी खांसी दोनों हो गई है और मुझे थोड़ा दमा का प्रॉब्लम है। तो मुझे खांसी सर्दी हो रही से मेरी सांस फूलती है और छाती भी दुखती है बहुत और सांस फूलने लग जाती है मेरी तो वही सब चल रहा है अभी। मेरी बेटी को मैंने आलू की सब्जी और पराठे पैक किए हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आलू की सब्जी बनाती हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी को आलू की सब्जी बहुत पसंद है। तो बचपन में भी मैं उसे आलू बॉईल करके आलू फ्राई करके बहुत दिया करती थी, उसे बहुत अच्छा अवस्था में कराना उसे बहुत अच्छा लगते हैं आलू, तो इस वजह से मैं देती हूँ। वैसे तो सारी सब्जियाँ देती हूँ लेकिन आलू ज़्यादा अवस्था में कराना थोड़े से। तो उसके बाद में मैंने घर के थोड़े बहुत काम कम्प्लीट किए, आज थोड़ा बहुत कुछ काम था। यहाँ से हमने आधा जो ये है ये सेट कर लिया, बाकी का सेट करने का है तो थोड़ा बहुत सेट कर लिया। आज बहुत सारे कपड़े धोने के थे, कल वेनसडे था तो कल के बहुत सारे वाइट ड्रेस थे जो कि मुझे धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने उसको भिगाया बहुत देर तक धोते रही। खाना भी बन चुका है, खाने में मैंने गोभी आलू बनाए हैं साथ में दाल चावल और चपाती बनाई है। बस मेरे बर्तन वॉश करने हैं और ये कपड़े फोल्ड करने बाकी है। अभी अभी काम कम्प्लीट हुआ, बहुत वीकनेस लग रहा था तो मैं पानी पीते बैठ गई, तो मैंने सोचा है कैडबरी खा लिया जाए। एक कहाँ आधी तो मेरे हस्बैंड ने खा लिया एक बाइट में तो कैडबरी खा लेते हैं सबसे पहले, थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद में फिर जाके बर्तन घसूंगी मैं। फिर मेरी बेटी को भी लेने जाना है आज से, उसको थोड़ा हम लोग लेके जा नहीं पाएंगे इतने दूर से तो हम लोग उसको बस लगवा रहे हैं तो उसी सिलसिले में कुछ जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी प्रिंसिपल के साथ, इस वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, तो फटाफट से थोड़े बहुत बच्चे कुछ काम कर लेती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ, उससे पहले चॉकलेट एंजॉय करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बर्थडे की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वो थोड़ी बहुत कुछ चीजें लाई है, ये देखो। तो हम लोग केक लेके आ गए हैं आज ही गंदी बात तसने कर तसने करो तो जो वो ऑरेंज वाली तो जो ऑरेंज वाली जो गोली आती थी पहले बचपन में हम लोग जो खाते थे वो मेरे हस्बैंड को दिख गई, तो मेरे हस्बैंड वो भी लेके आ गए। इसने केक लाया है, कुछ चॉकलेट्स लाए, चॉकलेट जो है वो बहुत दिखने में बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं बहुत। मैं वही बर्थडे में देने के लिए लाऊंगी और इसके स्कूल में भी हैप्पी बर्थडे के दिन चॉकलेट्स बांटना पड़ता है। तो इसका बर्थडे जो है वो संडे को आता है तो मुझे मंडे के दिन इसको नए ड्रेस के साथ और चॉकलेट्स के साथ भेजना पड़ेगा। इकड़े ये तू तो हम लोगों ने ये चॉकलेट का पैकेट लाया है क्योंकि बच्चों की खुशी होती है, हम भी छोटे थे तब हम लोगों को भी लगता था कि हम स्कूल में बर्थडे वाले दिन या तो अरे बाप रे पिल्लू सी टंग ऑरेंज ऑरेंज ये
फ्रेंड्स, हाँ तो हम, मैं कह रही थी, हम जब बच्चे छोटे थे तो हम लोगों को भी लगता था कि हमारे बर्थडे वाले दिन हम भी नए कपड़े पहन के जाए और चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे फ्रेंड्स में, टीचर्स को दे चॉकलेट। तो मैं तो ये सारी चीज़ें भूल गई थी, बट मेरे हस्बैंड को याद था, उन्होंने कहा कि बर्थडे वाले दिन चॉकलेट देना पड़ेगा स्कूल में, तो एक चॉकलेट का पैकेट खरीद लो। तो चॉकलेट का पैकेट लेके आए हम लोग, छोटा सा ही लेके आए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑरेंज वाइट वाला। ये चॉकलेट्स भी अच्छे होते हैं। अरे देवा का ही खाली है, बैठते जितना ही लेने हाँ। तो ये ऑरेंज वाइट वाला पार्ले की चॉकलेट है, पार्ले की चॉकलेट्स काफी अच्छे होते हैं, तो ये लाया लेके आ गए हैं। ये इसके स्कूल में भेज देंगे हम, इसके क्लास में ज्यादा बचे नहीं है तो हो जाएगा उन लोगों को। ये कितने पीस है इसमें पता नहीं, कितनी पीस अस्सी रुपए वेट दा खोला सकते पीस नहीं दा खोला। इसका वेट दिखाया है 290 ग्राम कुछ है, ये मतलब एक पाव से ऊपर है, पता नहीं पीस नहीं दिखाया कितने है, तो 50-60 तो हो गई, तो हो जाएंगे इसके स्कूल में बच्चों को, 40-50 कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को हो जाएंगे। तो ये लाया है और उसने काफ़ी सारे चॉकलेट्स लाए, कहाँ आया था, केक खा रही है वो, तो चॉकलेट है, मैं आपको वो चॉकलेट दिखाती हूँ जो इसके खाने के लिए लाया, कहाँ पी लो, ऑरेंज ऑरेंज तो वो केक खा रही है। अभी मैं खाना सर्व करूंगी सबके लिए, हम लोगों ने लंच नहीं किया, हम लोग इसके लिए वेट कर रहे थे। और जब स्कूल में जाते वक्त मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो गया था बहुत, तो जल्दबाजी में निकल गए हम लोग इसलिए इसके बाद में कुछ लाया है, जब जब जो जो याद आ रहा है हम तब तब वो लेके आ रहे हैं। तो बर्थडे के बाद में जो स्नैक्स बांटना पड़ता है जो आते हैं गेस्ट उनको, तो हमने तो इसका फर्स्ट बर्थडे में खाना ही रखा था, लेकिन सेकंड बर्थडे से हम लोग छोटा ही कर रहे हैं, तो सेकंड बर्थडे में जो था मैंने जो नमकीन रखी थी, पाव भाजी रखी थी, गुलाब जामुन थे और केक था उस टाइम में। तो इस टाइम में भी हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम घर पर नहीं बनाऊँगी, बहुत सर दर्द हो जाता है इतने सारे आइटम बनाओ। मैंने पिछली बार गुलाब जामुन भी घर पर ही बनाए थे, पाव भाजी भी घर पर ही बनाए थे, 50-60 लोगों के लिए बनाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50-60 नहीं 30-40 तो आ ही जाते हैं, 30-40 से ऊपर ही आ जाते हैं लोग, कितना भी छोटा पास की फ्रेंड सर्कल में भी करो तो भी, उतने लोगों के लिए बनाना सच में बहुत हेडेक हो जाता है, फिर मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाती है। इस वजह से मैं इस बार सारा कुछ रेडीमेड लाने वाली हूँ। तो ये नमकीन का एक पैकेट लेके आ गए हम लोग, बड़ा वाला 1 kg साइड है, एक केजी का है ये, तो ये 1 kg का पैकेट लेके आ गए हम लोग। उसके बाद में और एक दो कुछ आइटम रखने वाले हैं केक के अलावा, तो वो हम लोग रेडीमेड ही लेके आएंगे उसी दिन पे, फ्रेश लेके आ जाएंगे। काय लाला पी लो चॉकलेट को तो नाम लगे। हाँ तो मैं चॉकलेट दिखा रही थी आपको जो इसके खाने के लिए हम लोग लेके आए थे, फिर आपको भी दाखो थे ना, तो हम लोग एकदम वो सामने दिख गए काउंटर टॉप पे, तो हम लोग देखिए क्या लिखा है इसमें, ब्राज़ील चोकोबार लिखा है, तो ये मेल्ट हो गई इस वजह से ये ऐसी चपक गई है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, ब्राज़ील चोकोबार काफ़ी अच्छी है ये चॉकलेट, खाने में भी अच्छी है, सबसे मेन तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। गंदा, तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये चॉकलेट। हाँ बारह, तो चलिए फिर खाना सर्व कर लेते हैं, उससे पहले मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी लंच करने बैठ गए, मैंने खाना सर्व कर लिया है, तो ये रहा राइस, दाल, ये मैंने थोड़ी सी मिर्ची तल ली है, नमक दिया उसके साथ में, मैंने आज गोभी की सब्जी बनाई थी काफ़ी यमी लग रही है, चपाती है, राइस है, तो काफ़ी यमी दिख रही है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा लंच हो चुका है, हम लोग अभी चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ ऐसी है बड़ी चीज से, काफी टेस्टी है, बिल्कुल सेम एज डेरी मिल्क की जैसी है, बहुत अच्छी है खाने में, बिल्कुल चॉकलेट यमी है। डाक वचन है गंदी बात, अच्छी डाक वचन है गंदी बात, फक्त सांगायचं खाल्लं डस्टबिन मध्ये खाल्लं दिसत नाही। तो हम लोगों का लंच कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसको सुला दूंगी थोड़ी देर तक, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, तो कल जो
इंसिडेंट हुआ था रात में, मैं वो बताना बताना सोच रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। अब इसको सुला देती हूँ तो अभी भी नहीं बता पाऊंगी मैं। तो मैं जब शाम में फ्री हो जाऊंगी तब मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताती हूँ। अभी मैं इसको सुला देती हूँ, इसको होमवर्क चेक कर रही हूँ सबसे फर्स्ट, उसको सुलाती हूँ। मैं भी थोड़ा आधा एक घंटे का रेस्ट करती हूँ। दिख अच्छी रही हूँ लेकिन अंदर से मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत तबीयत खराब लग रही है। टैबलेट्स है मेरे पास मेरे डॉक्टर के, तो टैबलेट्स खाऊंगी। और अभी 2 बज रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए तो मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद में उठते हैं और आप सबसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 4 बजे कुछ उठ गई थी सो के, उसके बाद मैंने फ्रेश वगैरह हो गई थी, मेरी बेटी का होमवर्क कंप्लीट करा दिया, वो फिलहाल आ के लिए। ए बाबू हाय 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 दो वीडियो मेरे पास थे वो मैंने सारी वीडियोस एडिट कर ली। अभी तक बैठ के अभी बज रहे हैं 8:45 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत बाहर, तो कुछ लाएंगे डिनर के लिए भी कुछ लाएंगे, और साथ ही में मुझे थोड़े बलून्स वगैरह बर्थडे के जो लेना है वो भी ले लूँगी मैं। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारे यहाँ जस्ट अभी पानी पूरी के स्टॉल वाला आया था, पत्ते जी हाय। तो हमारे जस्ट अभी पानी पूरी के स्टॉल वाला आया था तो मेरे हस्बैंड को दिख गया, तो मेरे हस्बैंड हम लोगों को लेके गए थे खाने के लिए, तो हम लोग पानी पूरी खा के आ गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे तो चलिए चलते फटाफट से, बहुत लेट हो रहा है, 8:30 बजते कुछ आ रहे हैं। हाँ 8:15 हो चुके हैं, तो चलिए चलते। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, हम लोग अभी बस थोड़ी देर पहले आए हैं। मुझे जुकाम हो गया है, काफ़ी तेज जुकाम हो गया है मुझे। मैंने टैबलेट्स खाई थी, थोड़ा कम है अभी, और फिर से टैबलेट्स खाऊंगी। तो हम लोग गए थे डिनर के लिए कुछ लाने के लिए, तो हम लोगों ने चिकन लाया है डिनर में, उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान ला लिया है हमने जो बर्थडे के लिए लगेगा। तो सबसे पहले तो बलून्स का पैकेट लाया है, मैं पिछले 2 सालों से उसके बर्थडे में वाइट एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन का जो डेकोरेशन था बलून्स का वो कर रही थी, तो इस बार सोचा है वाइट एंड ब्लू में करूँ, क्योंकि यहाँ की दीवारी जो है वो वाइट है, तो वाइट एंड ब्लू का काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैंने इस बार वाइट एंड ब्लू का लाया है। ये लाया है मैंने वाइट और ये ब्लू, तो इसमें 35 बलून्स होते हैं, बहुत कम लग रहे हैं लेकिन है इसमें 35 बलून्स है, तो ये वाइट का है और ये जो है ये ब्लू है,
ये सेम 35-35 पीसेस के है, पैकेट है, तो इसमें 35-35 बलून्स है। उसके बाद में जो लाया है वो थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आ गई हूँ मैं। उसके बाद में ये है कैंडल 3 नंबर का, तो ये कैंडल लाई है मैंने, ये 30 रुपीज की कैंडल है। और ये 150 में 2 पैकेट मिले हम लोगों को, ये 150 में 2 पैकेट है, ये 30 का एक है। उसके बाद में घर पे पिछले साल की बहुत सी क्रेप रिबिन बच गई है, क्रेप रिबिन जो बोलते हैं, तो मैंने सिर्फ 2 ही लाए हैं इस बार बंच क्रेप रिबिन के, क्योंकि पिछले साल के कुछ है तो वो भी काम में आ जाएंगे, तो ये बस ऐसे एक्स्ट्रा में ला लिए हैं मैंने। उसके बाद में हम लोगों ने ये लाया है, मैंने ये अभी तक तो नहीं लाया था क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी करके, लेकिन अभी मुझे इस साल लगा मुझे ले लेना चाहिए, तो इस वजह से ये लाई है, ये लाया मैंने इस बार। उसका यूज मुझे पता नहीं है, मे भी यहाँ से कुछ जलाना पड़ता होगा, तो इसलिए ये एक ला ली है। तो ये उसने कुछ 25 रुपीज़ में कुछ दिया है, और ये 10-10 रुपीज़ की है ये। उसके बाद में इसकी इरेजर ख़राब हो गई थी, ये रोज इसको एक इरेजर और एक पेंसिल लग रही है, जो लेके जाती है घर से तो वापस ही नहीं लेके आ रही है ये। स्टार्टिंग में बराबर वापस लेके आई थी, अभी नहीं आ रही है वापस लेके, तो इसके लिए 2 इरेजर ले लिए हैं मैंने। उसके बाद में कैंडल्स लाए हैं, जो छोटे वाले कैंडल्स लगेंगे वो, ये 20 का कुछ पैकेट है। इस तरह के सारे कलर्स में, ये तो येलो कलर वाला एक निकाल लिया मैंने, तो इसी टाइप में सारे कलर्स के कैंडल है उसमें, मे बी 10-15 कुछ कैंडल्स होंगे। तो ये कैंडल खेल रहा है, बस इतने ही कुछ चीज़ें लाए हैं, और बाकी की चीज़ें और लाएंगे जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग बाहर, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीद के ला रहे हैं। तो अभी मैं डिनर चला रही हूँ, तो डिनर में मेरे पास चपाती है, बस मैं राइस चला दूँगी थोड़े से, और फटाफट से चिकन बना लेती हूँ, वैसे तो तबीयत बहुत खराब लग रही है जुकाम की वजह से। चलिए पहले डिनर बनाते हैं, उसके बाद में बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है, डिनर हो गया है, मैंने सिर्फ राइस बनाए थे, राइस के साथ में मैंने चिकन बनाया था, जैसे कि मैंने बताया अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो चिकन बनाया था उसी के साथ में। और अभी मेरी बेटी सो चुकी है, वहाँ पे वो सोई हुई है, मेरे हस्बैंड जो वॉशरूम गए हैं वो, तो मैं शूटिंग करी थी, वो कह रहे थे वॉशरूम जाके आ जाता था, तुम शूटिंग कर लो फिर सो जाएंगे। तो मैं सुबह से आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाह रही थी, बहुत फनी थी हमारे लिए आज सुबह तो, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो ख़राब चीज़ हो गई वो हम लोगों के लिए, तो प्रॉपर बैठ जाती हूँ मैं। तो हम लोगों के लिए पहले फनी लग रही थी, एक्चुअल में जो हुआ था, चूहा घुस गया था हमारे घर में। बहुत फनी चीज़ लगती है ना बताने में भी नहीं, हमारे साथ भी बहुत फनी हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं बाद में लग रहा था हमको फनी। मैं चूहे से बहुत डरती हूँ, चूहा, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ। कीड़े अगर छोटे रहे तो ठीक है, अगर बड़े रहे कीड़े, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स से भी मैं डरती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आती है अगर वो मेरे पास आए या मुझे टच हुए, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा डर सा लगता है। इस वजह से मैं मैक्सिमम टाइम सोचती हूँ कि वो थोड़ा मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करूँ, और हर बार करती भी हूँ मैं। तो अचानक से कल पता नहीं हम लोग, जैसे कि मैंने कल ब्लॉग एंड किया, मैंने बहुत जल्दी कल ब्लॉग एंड किया 10 बजे मेरे बेटी के साथ में, और उसके बाद में मैं सोने चली गई थी, दस सवा 10 बजे कुछ हम लोग सो गए थे, मैंने मेरी बेटी को भी सुला दिया था, मैं भी सो गई थी। उसके बाद अचानक से मेरे बेड के ऊपर चूहा चढ़ गया, ओह माय गॉड, मैं आप लोग को बता नहीं सकती,
चूहा चढ़ गया मेरे हमारे यहाँ के बेड पे, ऐसे रोने लगी। तभी मैं रोते रोते मेरे ओनर जो थे उनको बुलाने गई, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने भगाने की कोशिश की, नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने भगाने की कोशिश किया, उसे मेरे भागना था। रात की 3 बजे तक कल हम जगे थे उस चूहे पे। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाने की कोशिश की, बहुत परेशान कर दिया उस चूहे ने, बहुत परेशान। पहले तो बेड पे था, फिर बेड पे कुछ बेडशीट फोल्ड करके रखी हुई थी, उन बेडशीट पे घुस गया वो। हे भगवान, क्या बताऊँ। उसके बाद में बेड, जो बॉक्स वाले बेड आते हैं ना आजकल हम लोग जो बनाते हैं बॉक्स वाले, जो नीचे का एरिया होता है इसमें पूरा बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ सामान स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसमें घुस गया वो। इतनी सी जगह थी, उसमें से पता नहीं कैसे घुस गया, तो वो घुस गया अंदर। निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था। बॉक्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो बिना यूज में, कुछ नए कपड़े हैं, साड़ियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, शादी के कपड़े हैं उसमें। सब लोग नहीं यूज करते हैं ना, मुझे तो लगता है नहीं यूज करते हो शादी के कपड़े, तो जिसकी मेरा एक छोटा सा कबर्ड है वहां पे तो नहीं आ पाता है सब कुछ। तो मैंने बेड पे सब कुछ अरेंज करके रख दिया है बेड के बॉक्स में। तो काफी सारी चीजें थी, जैसे बड़ी बड़ी वहां पे ट्रॉली बैग्स है मेरी वाली, उसमें डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सी चीजें, इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो नहीं, एक साथ नहीं बता पा रही होगी मैं। तो एक ये भी डर था कि अगर हम बेड पे सो जाए तो कहीं वो चूहा जिस गैप से गया था उस गैप से बाहर निकल के आएगा, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और साथ ही साथ में एक दूसरा भी डर था कि वो अंदर घुसा है, रात भर में पता नहीं वो क्या क्या नुकसान कर देगा। अगर शादी के कपड़े उसने काट लिए, तो एक होती है ना, अगर आप पहनेंगे नहीं ये तो पता ही है कि, क्योंकि शादी के कपड़े तो नहीं पहनते वैसे भी, लेकिन एक याद होती है हम अपने पास में, मतलब सेव करके रखते हैं किसी भी चीज को। तो बस वही डर था कि कहीं वो काट ना ले, कहीं वो कुछ हो ना जाए। बाप रे, 3 बजे तक हमने उसे भगाने की कोशिश की, सोची 3 बजे तक हमने उसे भगाया है, जाने का नाम ही नहीं दे रहा था, यहाँ से भगा वहां से वहां भाग रहा था। फिर लास्ट 3:15 को कुछ वो गया, मेरे हस्बैंड ने एक वो हमारे मेरे बेटी का झूला है जो कि अभी यहाँ पे है, होप आप देख पा रहे हो, जो बॉक्स दिख रहा है वो झूले का है। मेरी बेटी को मेरे भाई ने गिफ्ट किया था वो, तो उसी झूले में उसको सुला देते। तो फिर जैसे वो 1 साल के करीब करीब होते आ गई, तो हमने उसे पैक करके बेड में ही रख दिया था, तो वो उस पैकेट में चला गया था, वो उस बॉक्स में चला गया था। तो मेरे हस्बैंड ने उस बॉक्स को ही उठाया और टेरिस पे ले जाके छोड़ दिया। तो फिर वो बॉक्स से निकल के टेरिस में भाग गया। फिर हम लोग वैसे ही आए, लोग घर पे डोर फटाफट से डोर विंडो सब बंद कर दिए, मेरा बेड का बॉक्स खोला ही था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत साफ कर लेते, क्लीन कर लेते हैं। तो मैं, हम लोगों ने वो क्लीन वीन किया, ऐसे करते करते 4:30 बज गए हम लोगों को सोते सोते। बाप रे, इतनी परेशानी हुई सच में फ्रेंड्स, कल इतनी परेशानी हुई है ना बता नहीं सकते हैं। तो पता नहीं रोने की वजह से है, डरने की वजह से है, या डस्ट डस्ट की वजह से। वैसे मुझे हर बार जुकाम हो ही जाता है, तो मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया सुबह से। और एक तो मैं कल गणपति विसर्जन से आने के बाद मुझे बहुत पसीना हो गया था गणपति विसर्जन में, काफी टाइम तक हम वहां रुके थे, तो मैंने आके ही अपने हेयर वॉश कर लिए थे, शावर ले लिया था मैंने, 8:30-9 बजे कुछ मैंने शावर लिया था और हेयर वॉश किए थे। वे भी उस वजह से है, या मैं एकदम डर गई, बहुत रो रही थी मैं बहुत टाइम तक, क्योंकि वो मेरे बेड पे आके मेरे पैर पे चढ़ गया, मैं बहुत डर गई थी इस वजह से है, या वो डस्ट की वजह से, पता नहीं। मुझे इतनी जुकाम हो गई, फिर भी मैंने आज सुबह से सारे मेरे काम किए, बेटी के स्कूल में जाना था वहाँ गई, मतलब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मैंने सारे कंप्लीट किए। उसके बाद में मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। इवनिंग में मैं उठी तो मुझे और बेकार लग रहा था, फिर भी ऐसा लगता है कि अगर घर की लेडी अगर सो गई तो घर के सारे काम पीछे छूट जाएंगे। इस वजह से थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर रही थी। मेडिसिन लाए हमने, मेडिसिन टैबलेट्स खाए हैं मैंने, उसके बाद में अभी सोने जाऊंगी मैं। थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी जुकाम से बहुत परेशान हूँ। वैसे मैं गई थी हॉस्पिटल में अभी स्टीम लेने के लिए, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अगर ज़्यादा खांसी या जुकाम हो जाए तो जो मेरी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो रुक जाती है। ब्रीदिंग जो है मेरी रुक जाती है, वो बहुत धीमे धीमे हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे ब्रीदिंग लेने, चेस्ट में बहुत पेन होता है, जलन होती है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं मुझे। वैसे तो मैं बचपन से ही बीमारियों का दुकान हूँ ऐसी मेरी मॉम कहती है, मैं बचपन से बीमारी का दुकान हूँ, कुछ ना कुछ एक के पीछे चलता ही रहता है।
तो बस यही एक बहुत बड़ा सा हादसा हुआ था। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप लोगों को कभी चूहे ने परेशान किया है क्या, ये मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मेरी बेटी सो गई है, मेरे हस्बैंड भी आए कि वॉशरूम से, तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। मैं इस ब्लॉग को एड करती हूँ, मैं मिलती हूँ कल के एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। देखते हैं, अगर तबीयत ठीक रही तो कल ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ऐसा लग रहा है मेरी बेटी का बर्थडे पास आ रहा है और अपनी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ब्लॉग को एड करते हैं, मिलती हूँ कल के एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज तो मेरी बेटी रही है ब्लॉग एड करने के लिए, तो मैं ही ब्लॉग को एड करूँगी। तो मिलते हैं एक करके एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके घर में भी कभी कोई चूहा ऐसा घुसा है और आपको परेशान किया है। बाय बाय, गुड नाइट।